तो ये हमारा जो है फाइनल 2D कैड 2D का जो टॉपिक है, जिसमें हमने क्विकली जो चीज़ें बनाई हैं उसको जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि लोग जाके प्रिंटर को कह रहे होते हैं कि आप मैंने ये बना लिया और प्रिंट करके दें। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रिंट फाइनली होती कैसी है, और इसमें हमने जितने कंपोनेंट्स खुद बनाए हैं हम क्विकली उनकी प्रिंटिंग करेंगे। मैं मेथड आपको सिखा दूंगा, इसके बाद आप चाहें तो आपके पास जितने कंपोनेंट्स क्यों ना हो, कितने ही कंपोनेंट्स आप सबको इकट्ठा कर सकते हैं और उन सब का एक कलेक्टिव आप जो है वो PDF में सेव कर सकते हैं। वो PDF हम जिस जगह भी जाएंगे हम उसको फर्दर वहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। शीट साइज़ 20x30 हो सकता है, इंचेस की मैं बात कर रहा हूँ 30x40 हो सकता है, सो वेरी करता है। सो अब हम बढ़ते हैं कैड की तरफ, ताकि जो हमने ड्राइंग्स मुकम्मल की हैं क्विकली हम उन ड्राइंग्स की उनको एक्सपोर्ट करके उनका एक PDF बना सकें। सो ये हमारे पास हमारी ड्राइंग्स हैं, इसमें से मैंने बाकी ड्राइंग्स जो हैं वो डिलीट कर दिए, सिर्फ आप अपने मेन ड्राइंग्स। ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये हमारी जो कल जो हमने लास्ट टॉपिक में एलिवेशन बनाई है, ये हमारा सेक्शन है, ये शेड्यूल ऑफ डोर्स हैं और विंडोज़ हैं, और ये हमारे पास लोकेशन प्लान है। अब इसके अलावा आपके पास और जितनी भी ड्राइंग्स क्यों ना हो, यहाँ पे जिस तरह हमने प्रीवियस टॉपिक्स में देखा है कि हमने हाउस प्लान की सबमिशन के वक्त देखा कि फाउंडेशन अगर आपके पास डिटेल्स हैं या किसी भी तरह की डिटेल्स यहाँ मौजूद हैं, बस एक काम हमने ये करना है कि उनको कॉपी पेस्ट करके अलाइन कर, अलाइन से मुराद है कि एक तरतीब में रख लेना है। फॉर एग्जांपल ये जिस तरह मेरे पास ये अगर शेड्यूल ऑफ डोर्स था तो M एंटर करके तो इसको आपने इकट्ठा करके इनको किसी भी ऐसी जगह पे, अब ये आप देखें तो थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर लग रहा है। अब हम स्टेप वन की तरफ जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कम्प्लीट कर ली, हमारी ड्राॅइंग्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये हम मॉडल व्यू में हैं, यहाँ से हम लेआउट व्यू में आ जाते हैं। सो जैसे हम लेआउट व्यू में आते हैं तो ये हमारे पास, या हम लेआउट टू में आ जाते हैं तो ये हमारे पास जो है लेआउट वन में आ जाएं, टू में आ जाएं, कोई नया लेआउट ऐड कर सकते हैं, आप लेआउट को डिलीट कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, रीनेम, तो आपके पास ऑप्शन हैं। सो लेआउट टू में हम आते हैं, यहाँ पर जैसे आप आएंगे तो ये इस तरह की ड्राॅइंग आपके सामने भी बन के आ जाएगी। फिलहाल हम ये अपने स्टेप वन ये करना है कि जैसे हम इस व्यू में आए और ये रेक्टेंगल जो है इसको हम डिलीट कर देंगे। ये स्टेप वन हमने क्या किया, रेक्टेंगल डिलीट की और एक नई रेक्टेंगल हम खुद से बनाएंगे, REC एंटर, इसको किसी भी एक कॉर्नर से हम स्टार्ट करेंगे और इसका साइज़ जो है जितने साइज़ की आप शीट प्रिंट करना चाह रहे हैं से 30x40, इसका मतलब है X 30 होगा और कॉमा Y जो है, ये मैं इंचेस की बात कर रहा हूँ, 40। तो जो रेक्टेंगल आपने साइज़ लगाना चाह रहे हैं 30x40 की रेक्टेंगल, और एंटर किया तो ये रेक्टेंगल जो है हमारे सामने ऊपर लग चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे ये काम करने के बाद दोबारा लेआउट में आके क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आएंगे पेज सेटअप मैनेजर में, यहाँ पे आएंगे तो एक नई टैब ओपन होगी, यहाँ से हम आएंगे मॉडिफाई में। जैसे मॉडिफाई में आ गए कि हमारे पास एक और लेआउट पेज सेटअप लेआउट टू के नाम से टैब ओपन है, यहाँ से नेम और फिलहाल है नन, तो यहाँ से हम जो है इसको कर देंगे जनरल डॉक्यूमेंट ऑटो कैड टू PDF, क्योंकि PDF बनाना चाह रहे हैं, और जनरल डॉक्यूमेंटेशन PC3। ये अगेन देख लें, नेम में आए हैं और दिस वन, इसके ऊपर आपने यहाँ जो कर्सर में रखा हुआ क्लिक करेंगे और यहाँ से हम आ जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में आके हम करेंगे कस्टम पेपर पे क्लिक, देन कस्टम पेपर पे क्लिक करने के बाद हम आएंगे कस्टम पेपर साइज़ पे, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपना साइज़ जो हमने अपने से नया बनाया है, और यहाँ पे हम करते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे हम 30x40 या 40x60 करना चाह रहे हैं, पहले आपने विड्थ और फिर हाइट, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट और फिनिश करेंगे, इसको कर देंगे ओके। अब अगर यहाँ पे आएँ और सबसे टॉप में आएँ ये पेपर साइज़ में, तो ये ऑलरेडी भी 30x40, ये हमारे पास 30x40 का पेपर साइज़ बन चुका है बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट हो रहे हैं और ये हमने खुद से बनाए हुए हैं। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 30x40, आप नोट करें तो वो बता भी रहा है आपको प्रीव्यू के अंदर, ये हमने चेंजेस की। फिलहाल हम करते हैं ओके, जैसे हम क्लोज करते हैं तो आप नोट करें 30x40 का जो है वो रेक्टेंगल ड्रा है और उसने इस पेज को भी 30x40 का बना दिया है, बट व्यू हमारा चेंज है। दोबारा लेआउट में आएंगे, क्लिक करेंगे, पेज सेटअप मैनेजर में आएंगे, मॉडिफाई में आएंगे जिस तरह पहले हमने किया था, और यहाँ से हम इसको पोर्ट्रेट कर देंगे, पहले लैंडस्केप था, अब हम कर देते हैं इसको पोर्ट्रेट। जैसे हम पोर्ट्रेट करेंगे और वो ओके करते हैं, क्लोज करते हैं, तो अब आप नोट करें काफ़ी हद तक हमारी रेक्टेंगल एडजस्ट हो चुकी है। सिंपल हम इसको सेलेक्ट करके M एंटर मूव की कमांड लगा के हम इसको ये एडजस्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास हमारी जो रेक्टेंगल है और पेपर साइज एडजस्ट हो चुका है। अब हमने यहाँ पे कमांड लगानी है मल्टीपल व्यू, MV, ये कमांड है आप देखें, सो MV
यहाँ पे MV की कमांड लगा के एंटर करेंगे, वो कह रहे जी पहला पॉइंट स्पेसिफाई करें। अब यहाँ पे आप पूरी रेक्टेंगल अगर ड्रॉ कर लेते हैं तो जैसे ही मैं रेक्टेंगल क्लिक करता हूँ तो अब आप नोट करें तो ये सारी चीज़ें जो हैं खुद ब खुद इसके अंदर आ चुकी हैं, यही हमारी ड्राॅइंग्स बनी हुई थी। अब यहाँ पर हम बहुत सारी चेंजेस कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर करें MS एंटर, तो अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास, ये तो मैंने सिंपल MV एंटर किया, ये रेक्टेंगल्स आ गए। अब अगर इसके अंदर मैं कुछ चेंज करना चाह रहा हूँ तो मैं कमांड लगाऊंगा MS। जैसे मैंने MS की कमांड लगाई तो आप नोट करें एडिटिंग की ऑप्शन ऑन हो चुकी है। अब आप चाहें तो इनमें से किसी एक ऑब्जेक्ट को जूम इन करके, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ इसका प्रिंट लेना है तो मैं एक ऑब्जेक्ट को भी जूम कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो वापस कर्सर को लेके। और अगर मैंने इस व्यू से जब बाहर आना होगा, अब इस व्यू के मैं अंदर हूँ, अगर इस व्यू से जब भी बाहर आना है तो हम कर देंगे PS एंटर। तो जैसे हम PS एंटर करते हैं तो हम इस व्यू से बाहर आ गए, अब हम इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। तो जब भी हमने एडिटिंग करनी होगी हम MS करेंगे। अब देखें आप हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। सो ये हमारे पास जो है वो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, यहाँ पे हम इसको जहाँ पे भी फिक्स करना चाहें उसको फिक्स कर सकते हैं जिन ड्राॅइंग्स को। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ एक MV लगाएं, बाज़ूकात आप ड्राॅइंग में देखेंगे मल्टीपल MVs लगाते हैं। अगर मैं कंट्रोल Z करके हम एक मिनट वापस आ जाएँ तो ये हमारे पास जो ड्राइंग थी, तो हम MV फॉर एग्जांपल ये मैंने दोबारा मल्टीपल व्यू की कमांड लगाई। और अगर मैं चाहूँ तो अब मैं मल्टीपल व्यूज़ भी बना सकता हूँ। सपोज़ ये एक व्यू है, अब मैं यहाँ पे दोबारा MV की कमांड लगा लेता हूँ और हम एक और व्यू भी बना सकते हैं। अब मैं, ये हमारे पास हो चुका है, अब हम इस व्यू के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर हम कमांड लगाते हैं MS की। अब मैं अगर चाहूँ ये इस व्यू में, अगर हमें अब फ़र्ज़ करें मैंने इस व्यू में सिर्फ ये वाली ड्राॅइंग दिखानी है, अब मैं इस व्यू में आ जाता हूँ इसमें, तो इसमें भी हम लगाते हैं MS की कमांड। इस व्यू में मैंने ये वाली ड्राइंग दिखानी है। तो अब आप पे डिपेंड करता है आप जिस तरह के व्यूज़ एक बनाना चाहें या मल्टीपल व्यूज़, अगर आप MV कमांड लगाते जाएं, रेक्टेंगल्स बनाते जाएं और जो आपने ड्राइंग शो करनी है वो उसके अंदर शो करते जाएँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इस ड्राइंग के अंदर सिर्फ डोर्स और विंडोज़ दिखानी है, नीचे वाला मैं एक और MV बना देता हूँ और जब हमने इस व्यू से बाहर आना होगा तो हम करेंगे PS एंटर। ये हम बाहर आ गए हैं, मैं कंट्रोल Z करके वापस चला जाता हूँ जहाँ पर हमने स्टार्ट, ये हमारे पास ये, तो मैं दोबारा एक MV करके एक ही रेक्टेंगल में फ़िलहाल यहाँ पे क्विकली ये MV लगाया, ये सारी चीज़ें अंदर आ गई। अब यहाँ पे हमारे पास स्केल की ऑप्शन भी मौजूद है। हम दोबारा अगर पेज सेटअप मैनेजर में जाएं, और अक्सर आपसे डिमांड की जाती है कि आपने जो है वो स्केल के अकॉर्डिंगली बनाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये 1:1 है, इसका मतलब क्या है कि अभी मैंने कोई स्केल नहीं लगाया, जितनी ड्राॅइंग की जो लिमिट्स, जो फॉर एग्जाम्पल जो हाइट 45 है तो वो यहाँ भी 45 में ही शो हो रही है। बट अगर आप स्केल लगा देंगे तो फॉर एग्जांपल मैंने 1:8 किया तो इसका मतलब है जो मेरी लाइन अगर वहाँ पे 8 फीट की लगी हुई है तो वो लेआउट में 1 फीट की बन के नज़र आ रही होगी, तो नीचे स्केल भी नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से आप स्केल को वेरिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स। बाज़ूकात रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि 1:8 के ऊपर आपने प्रिंट करना है, 1:4 पे करना है, 1:2 पे करना है, सो डिपेंड्स। तो यहाँ पर अगर आप स्केल चाहें तो भी चेंज कर सकते हैं। सो हम वापस ओके करते हैं और ये हमारे पास हम व्यू में आए हुए हैं। अब यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन है, और अगर हम MS लिखते हैं और हम यहाँ पे टेक्स्ट, तो यहाँ पे भी आप यहाँ पे कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं, ये सारा ऑप्शंस MT कर लें हम कमांड, यानी यहाँ पे ये ऑप्शंस आपके सामने मौजूद हैं। आप चाहें तो कुछ भी यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं, यहाँ पे जो अक्सर लिखा हुआ होता है कि ये सबमिशन किसको करवा रहे हैं आप, तो इसका मतलब है ये वैसा ही आपका ड्राइंग वाला मॉडल व्यू है। इसके अंदर यू कैन मेक एनी सॉर्ट ऑफ चेंजेस, सारी कमांड्स अप्लाई होंगी। अब फाइनल हम इसकी प्रिंटिंग की तरफ जाएंगे, तो प्रिंटिंग के लिए यहाँ पे हम कंट्रोल P करेंगे, कंट्रोल और P इकट्ठा प्रेस करेंगे, ये प्रिंट की तरफ हमें ले जाएगा। हम कहेंगे कि यस कंटिन्यू टू प्लॉट अ सिंगल शीट। हम जैसे यहाँ पे आ गए ये हमारे सामने ऑप्शंस दे रहा है, लेआउट हमने प्रिंट करना है, यस लेआउट ही करना चाह रहे हैं, इसको ओके करते हैं। और ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको सेव कर लें, तो जहाँ पर भी आप सेव करना चाह रहे हैं, सपोज डेस्कटॉप के ऊपर ही, फॉर एग्जाम्पल ये VU के नाम से जो फोल्डर है इसमें हमने ये हाउस प्लान लेआउट 2 के नाम से इसको सेव करते हैं, ये अभी हम सेव कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि ये, तो अब ये यहाँ पे जो है ये हमारे पास प्रिंटिंग आ चुकी है, अब हम इसको प्रिंट करा सकते हैं। अभी क्योंकि हमने कुछ और ऐड नहीं किया था, यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकते हैं, किसको सबमिशन करवा रहे हैं, ड्राइंग ज़्यादा हो सकती हैं, सो मल्टीपल व्यूज़ में हम इसको, तो इस तरह हम अपनी ड्राइंग की फाइनल जो है वो प्रिंटिंग करेंगे। सो इस टॉपिक के अंदर हमने देखा कि किस तरह जो फाइनल हमारी ड्राइंग्स जब बन जाती हैं तो उसके हमने उसको उसकी सेट लेआउट सेटिंग करनी है और उसके बाद हमने उसकी प्रिंटिंग की तरफ लेके जाना है। तो 2-3 जो कमांड्स थी वो आपने लाजमी, फॉर एग्जांपल MS MV थी, MS है, PS है, ये 2-3 कमांड ही हैं।
आप चाहें तो आप मल्टीपल व्यूज़ बना सकते हैं उसके अंदर किसी भी, और फिर हमने स्केलिंग देखी। सो आई होप कि हमारा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट है और अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स 3D मॉडलिंग।